नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज रजस तमस और सत्व गुण को समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल से समझना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। तो सत्व का एग्जाम्पल अगर मैं देता हूं तो जैसे नीम का पेड़ है, तो ये सत्व का एग्जाम्पल है। ये ऑक्सीजन देता है रात को भी और दिन में, दातन करने के लिए भी स्टिक देता है हमको, और इसके जो गुण है वो एंटीबायोटिक है। पीपल जो है वो सत्व है, जो मैं छाया भी देता है सुबह शाम, रात को भी ऑक्सीजन भी देता है। इस तरह से जितने भी पेड़ है जो मैं फल देते हैं वो सत्व है। हमसे तो कुछ नहीं लेते ना, ना नीम का पेड़, ना पीपल का, ना फलदार वृक्ष, हमसे तो कुछ नहीं लेता। इस तरह से सूर्य हमें रोशनी देता है, हमसे तो कुछ नहीं लेता। तो ये सत्व गुण है। इस प्रकार से क्या ये किसी इंसान में भी गुण हो सकते हैं? अब मिलने मुश्किल है, बट फिर भी पॉसिबल है। जैसे मैं अगर आपको कोई ज्ञान दे रहा हूं, अगर मैं टीचर हूं और मैं आपसे पैसे नहीं लेगा लेता तो ये मेरा सत्व गुण। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि अगर मैं पैसे नहीं ले रहा तो फिर मैं, अगर मेरा परिवार है तो मैं परिवार को कैसे पालूंगा? तो वो उससे मेरे परिवार को तकलीफ हो जाएगी, ये तकलीफ जो होगी ये तमस गुण हो जाएगा। तो ये सृष्टि जो है ये सत्व तमस और रजस गुण से बनी है, इसमें ये बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। इसलिए मुझे जीने के लिए, एक पारिवारिक आदमी को जीने के लिए रजस गुण होना जरूरी है। रजस का मतलब अगर मैं कुछ दे रहा हूं तो मुझे लेना भी चाहिए। देयर इज नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, ऐसे कहते ना कि फ्री में कुछ नहीं मिलता भाई। तो कुछ अगर लेना है तो देना पड़ेगा भाई। तो सृष्टि ऐसे चलेगी, मतलब सॉरी जो व्यवहार जो है समाज में ऐसा चलेगा। लेकिन इसी को, रजस और सत्व को हम बैलेंस कर सकते हैं कि अगर मैं पैसा ले रहा हूं तो मैं चीज ठीक दे रहा हूं और कुछ बढ़ के भी दे रहा हूं आपको, उसमें सत्व गुण जो है वो ऐड हो गया। जैसे एक के साथ एक फ्री की स्कीम, ये तो थोड़ा वेग एग्जाम्पल हो गया, बट जो मैं कह रहा हूं आपको मैं वही दे रहा हूं, बल्कि उससे कुछ बढ़ के ही दे रहा हूं। अगर मैंने, समझ लीजिए आपको पढ़ाया, मैं कहा मैं 2 घंटे आपको पढ़ाऊंगा, तो और आपने 4 क्वेश्चन और ऊपर पूछ लिए, मैंने अपने समय अधिक दे दिया, तो ये सत्व गुण उसमें ऐड हो गए। लेना देना व्यापार, मैंने ये शर्ट है खरीदी अगर तो पैसा दिया तो व्यापार ही है, रजस गुण। तमस गुण क्या है कि दूसरे को तकलीफ देने, दे के देना। मैंने आपको कोई वायदा किया कि मैं तब तक ये आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा, ये आपको काम कर दूंगा और मैं आपको सताऊं, तो इसमें तमस गुण हो गया। मैं कुछ खाऊं तो उससे किसी को तकलीफ हो, वो तमस गुण हो गया। मैं वादा करूं और वो पूरा ना करूं, वो तमस गुण हो गया। मैं वादा पूरा करूं वो रजस गुण हो गया, वादे से बढ़ के करूं सत्व गुण हो गया। तो ये रजस सत्व और तमस ये इस सृष्टि में हर चीज में, हर चीज में है। ये भोजन में भी है, ये संस्कृति में भी है, ये भाषा में भी है, ये दिनचर्या में भी है, ये संगीत में भी है। तो आगे कुछ वीडियोस के अंदर मैं ये आपको समझाऊंगा कि ये हर ऐसी चीज जो मैंने बताई है इसमें कैसे। अच्छा, ये आपको सत्व रजस और तमस गुण के बारे में पता चल गया होगा। इस तरह से आए गए वीडियो में मैं आपको सात्विक, राशिक और तामसिक मनुष्य के बारे में बताऊंगा, और जो इन तीनों को साथ देगा उस साधु के बारे में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो देखने के।